केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों और किसान संघ के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर किसी राज्य ने हमसे पूछा तो हमने उनकी सोयाबीन की फसल खरीदी, हमने महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश को MSP पर सोयाबीन खरीदने का आश्वासन दिया है। जब हमारे तिलहन की कीमतें गिर गई तो हमने दूसरे देशों से आयातित तेल पर आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। 27.5% आयात शुल्क लगाया गया। सोयाबीन सहित तिलहनों की कीमतें बढ़ने लगी और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वो MSP तक पहुंच जाएंगी। और अब आपकी जानकारी में सोयाबीन जैसी फसल पहले नहीं खरीदी गई कभी, लेकिन इस बार जिस राज्य ने मांगा हमने सोयाबीन की खरीद की अनुमति दी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। बीच में जब हमारे तिलहन के दाम घट गए थे तब भी एक बहुत बड़ा फैसला किया, सोयाबीन सहित जो तिलहन की फसलें हैं हमारी उनके रेट काफी नीचे चले गए थे। तो भारत में जो तेल आयात होता, आपको जानकारी कि तेल आयात करना पड़ता अपनी जरूरत का, तेल हम उतना ऑयल सीड या तिलहन पैदा नहीं कर पाते कि हमारी जरूरत पूरी हो जाए, लेकिन आयात होता था 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर। उसके कारण सस्ता खाद्य तेल हमारे देश में आ गया और सस्ते खाद्य तेल के कारण सोयाबीन जैसे फसलों के दाम कम हो गए काफी। और तब सरकार ने फैसला किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि हमारे तिलहन को ठीक दाम मिल सके तिलहन के किसान को, इसलिए बाहर से जो खाद्य तेल आएगा उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे और कुल मिला के 27% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई। और उसके कारण आपने देखा होगा सोयाबीन सहित बाकी तिलहन के दाम बढ़ना शुरू हो गए और मुझे लगता है कि MSP के रेट तक तो चले ही जाएंगे और इसके बाद भी जरूरत पड़ेगी तो हम MSP पर खरीदेंगे फसल।